हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज की ब्लॉग है छठ पूजा की। पूरी वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ कि कैसे यहाँ पे छठ पूजा होता है बैंगलोर में। और फर्स्ट टाइम मैं बैंगलोर में छठ पूजा में इन्वॉल्व हुई हूँ, छठ पूजा देखी हूँ फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं बहुत सालों से रह रही हूँ बैंगलोर में, बट मैं आज तक बैंगलोर में छठ पूजा नहीं देखी। और ये आज पहली बार इस साल मैं बैंगलोर में छठ पूजा में गई हूँ, और इतनी अच्छी छठ पूजा हुई है कि क्या मैं बताऊँ। फ्रेंड्स, तो आज है छठ का सेकेंड डे, और इवनिंग का जो सूरज भगवान इवनिंग में डूबते हैं तो उसकी पूजा होती है। आज तो सेकेंड डे है पूजा का, छठ पूजा का। तो मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के घर, और 1 आवर लगेगा जाने में मुझे। काफ़ी ट्रैफिक भी बीच में मिलती है तो काफ़ी लेट हो चुकी हूँ, और मैं भगवान से मना के जा रही हूँ जल्दी जल्दी कि प्लीज़ मैं पूजा में इन्वॉल्व हो जाऊँ, और वो जल ढारते हैं जो अर्घ देते हैं वो मैं दे सकूँ। तो मैं भगवान से मना के आई हूँ और अच्छे समय पर पहुँच गई हूँ। यहाँ पर अर्घ पड़ रहा है तो मैं आ चुकी हूँ, और अभी ये लोग अर्घ देंगे तो मैं जल डालूँगी। सो मैं सोची थी कि शाम में नहीं दे पाऊँगी अर्घ, इसलिए मैं बहुत डर रही थी कि उतनी दूर मैं ट्रेवल करके आई हूँ छठ पूजा देखने के लिए, और कहीं मैं जल नहीं ढार पाऊँगी। सनसेट को जो शाम में होता है छठ पूजा, वो वाली नहीं कर पाऊँगी, नहीं जल ढार पाऊँगी तो सारा बेकार हो जाएगा 1 आवर डिस्टेंस किया हुआ। तो मैं भगवान से मना के आ रही थी, और अच्छे समय पे हो रहा है ये पूजा, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टाइम पे पहुँच चुकी हूँ, क्योंकि ये लोग थोड़ा लेट किए हैं। मेरे आने के बस 5 मिनट बाद से ये लोग स्टार्ट किए, नहीं तो हो जाता। तो थोड़ा लेट किए हैं इसलिए मैं देख सक रही हूँ शाम वाली पूजा। तो मैं जल ढार चुकी हूँ, और अभी वो नहा के ऐसे निकलेंगे। उनकी पूजा हो चुकी है, वो अर्घ दे दिए हैं सूर्य भगवान को। तो इस तरह ये है सूर्य भगवान बनाया गया है, ये मुल्तानी मिट्टी से बनाया गया है। यहाँ मिट्टी मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, और कहाँ खोजने जाएंगे। तो मुल्तानी मिट्टी से बनाया गया है सूर्य भगवान, यहाँ बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, और एक एक चीज़ इतना मुश्किल से मिलता है, पूजा का सामान हो या फिर कुछ और, तो बहुत मुश्किल से होता है। बिहार जैसा नहीं है कि सब कुछ अवेलेबल होता है, तो काफ़ी मुश्किल से मिलता है। और यहाँ टीन का इस तरह से पानी का बनाया गया है, यहाँ तालाब मिलते नहीं हैं, सो टीन का लाया गया है, गोल सा राउंड किया हुआ है, बच्चों का ट्यूब होता है उस टाइप का, और इसमें छठ पूजा हुआ है। तो काफ़ी लोग, काफ़ी फैमिली इन्वॉल्व हुए हैं इसमें। छत पर हो रहा है ये 9th फ्लोर का है छत, तो 9th फ्लोर के छत ऊपर में हो रहा है छठ पूजा। और ये मैं आ चुकी हूँ मॉर्निंग वाली में, तो सुबह का 6 o'clock हो रहा है, और मैं पहुँच चुकी हूँ मॉर्निंग का। छठ जो पूजा होता है, लास्ट डे होता है आज मॉर्निंग वाला, जो सन भगवान जब उगते हैं सूर्यदेव, उस टाइम ये अर्घ दिया जाता है। सेकेंड डे होता है जो डूबने वाला होता है, उस टाइम अर्घ दिया जाता है, और थर्ड डे जो फाइनल होता है वो उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो आज उगते सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, और यहाँ 8 मेंबर टोटल कर रहे हैं, और यहाँ पे 4 ट्यूब लाया गया है, वो जो बच्चे लोग स्विमिंग करते हैं वो वाला ट्यूब खरीद के लाया गया है, और उसमें दो दो मेंबर कर रहे हैं उसमें घुस करके एक एक ट्यूब में। और ये 24th फ्लोर का है ये बिल्डिंग, तो यहाँ पे हो रहा है सोसाइटी में, और काफ़ी छठ घाट बहुत अच्छा से सजाया गया है, ये कितारी से, ईक से काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया है, ईक और लाइट से। लग ही नहीं रहा है कि बिहार का ये छठ घाट नहीं है, मतलब उतना अच्छा तो नहीं हुआ, बट बहुत ही लोग इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, और काफ़ी लोग आए हैं मॉर्निंग में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम मैं छठ पूजा देख रही हूँ बैंगलोर में, इतना अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चलता था, बैंगलोर में रहती थी कब छठ हो रहा है, कब दिवाली हो रहा है, कुछ पता नहीं चलता था। इस बार बट पता चला है कि छठ हुआ है, इसलिए मैं बहुत दूर दूर ट्रैवल करके भी गई अपनी फ्रेंड के घर, 1 आवर का डिस्टेंस
डिस्टेंस पूरी करके गई हूँ छठ पूजा देखने के लिए, क्योंकि छठ से मुझे बहुत लगाव है, छठ पूजा से। और जो भी बिहार के हैं उन सभी को लगाव है छठ पूजा से, क्योंकि बहुत बड़ा पर्व होता है ये छठ पूजा, और काफ़ी अच्छा लगता है छठ पूजा में। तो ये है बगल में प्लेग्राउंड, और मेरा बेबी है जो आ नहीं रहा है, ये प्लेग्राउंड में इधर खेल रहा है, झूला वगैरह है, तो इसको यहीं पे मज़ा आ रहा है। तो मेरे हस्बैंड देख रहे हैं और मैं इधर पूजा में हूँ। तो पूजा अब बस फिनिश्ड होने वाली है, वो जो पूजा की है छठ पर्व की है वो आंटी निकल चुकी है, और निकल के बस धूप देगी, वो धूप वहाँ पे देंगे सब लोग, जो जल रहा है उसमें धूप देंगे और पूजा ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर वो कुछ खा सकती है छठ घाट पे। तो पूजा ख़त्म हो चुकी तो अभी है हम लोग आ चुके और हैं हम घर, लोग आ चुके हैं अपने घर। लिफ्ट के पास खड़े हैं, अभी हम जाने वाले हैं। तो पूजा हमारी छठ पूजा कंप्लीट हो चुकी है, और आजकल आज लास्ट डे था, आज पारन होगा। हेलो फ्रेंड्स, तो ये छठ का खरना का डे है, और खरना फर्स्ट डे होता है पूजा का, छठ पूजा का। और ये खरना का प्रसाद है जो चने दाल का दाल है, चना का दाल, और राइस है, अरवा चावल है, और ये छोटा सा रोटी था, इस टाइप का प्रसाद होता है। यहाँ पे खीर भी था। और मैं यहाँ नाक से सिंदूर लगा चुकी हूँ। यहाँ नाक से सिंदूर लगाना छठ पूजा में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही शुद्ध माना जाता है, अच्छा माना जाता है, सुहागन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो छठ के टाइम में सब लोग नाक से सिंदूर लेते हैं, सुहागन के लिए बहुत ही अच्छा होता है नाक से सिंदूर लेना। तो आज के दिन सब लोग नाक से सिंदूर एक दूसरे को दे रहे हैं और ले रहे हैं भी। तो ये खरना का दिन है और हम लोग प्रसाद खा चुके हैं, अब निकल रहे हैं घर की ओर, निकलेंगे। सो अगर आपको ये छठ बैंगलोर का छठ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।